मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन ऑफ योर ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ योर फर्स्ट लेसन इज द सेंटेंस. ओके, सो रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. सो डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ सेंटेंस वी स्टडी लेटर ऑन. बस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट गिवन इज हियर birthday, his, was, it, yesterday. Again, second, in the classroom they are. Then a buy new dress I want to. Then our match, the, has, won, team. Then are playing girls and these boys. तो जब हम ये इतने सारे सेंटेंस अभी देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक्चुअली सेंटेंस है, तो हमें बोलने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ठीक है, अब ये देखते हैं. यू सी दैट द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस. इनमें से जो ऊपर पे अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे, इन वर्ड्स में कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है, है ना. अब देखो वही. Now read the following sentences. It was his birthday yesterday. अरे देखो वही है सेंटेंस. पहला वाला जो सेंटेंस था कि birthday his was it yesterday. अब उसी को उन्होंने करेक्ट करके लिखा है. कैसा? It was his birthday yesterday. Then same second, they are in the classroom. Then I want to buy a new ड्रेस. देन आवर टीम हैज वोन द मैच. देन दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग. अभी देखो उसके नीचे की जो नोट दिए. नाउ द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस, देयरफॉर दे आर सेंटेंस. इससे क्या पता चलता है हमें, देखिए डेफिनेशन दी है. A group of words that makes a complete sense is called sentence. A group of words that makes a complete sense is called sentence. मतलब group of words, ये जो group of words अपने अभी देखा, ऊपर भी group of words है, नीचे भी group of words है, but सिर्फ group of words, words words ही पास में रहने से नहीं होता है. तो उसका exactly meaning, जब सेंस निकलेगा, उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, कुछ मतलब निकलेगा, तब ही वो सेंटेंस कहलाएगा. देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, पर कैसे? दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. क्या निकालेंगे उसमें से, हमें कुछ पता चल जाए, कुछ सेंस तो निकली उसमें से. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. Then, a sentence always begins with a capital letter. जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से रहेगा. जैसे इसमें it है, I is capital, then they, T is capital, then I, then our, O is capital, then these, T is capital of these. Okay. Then second point, the words in the sentence are placed in a proper order. और जब भी हम कोई words रखेंगे sentence में, तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए? Proper orders में ही होने चाहिए. Then, a sentence ends with a full stop. A sentence ends with a full stop, question mark or sign of exclamation. एक्सक्लेमेशन. ठीक है, मतलब ये जो सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप रहेगा या फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा या फिर ऐसा एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा. ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, पर ये अनजम्बल्ड है. ठीक है, अब उसको क्या करना है, अपने को रीअरेंज करना है. फर्स्ट पहला दिया हुआ है द पॉलिसी बेस्ड ऑनेस्टी इज, तो व्हाट इज द आंसर? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इन्हीं को हमने, इन सेंटेंस को आगे पीछे करके क्या किया है,
करेक्ट सेंटेंस लिखा है जिससे कुछ मीनिंग हो सके, निकल सके, ठीक है। अब वैसे ही वॉज थीफ द बाय द पोलिस कॉट, तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा सोचना और फिर अच्छे से उसको लिखना। अभी मैं फिलहाल इसके आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में इसके आंसर बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देन थर्ड, अ नॉइस इन द क्लासरूम डोंट मेक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं ना आंसर। एट चैरिटी होम बिगिंस, इसका भी क्या आएगा आंसर आपको लिखना है, बहुत सिंपल है। देन द कमांडर प्रेसिडेंट द इज फर्स्ट, ये भी बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो, कोशिश कीजिए। हैज बीन फ्रॉम सफरिंग ही फीवर फोर डेज फॉर, वो अभी हमें इसका आंसर नहीं बताता, आपको ही इसको करना है। ओके, इट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज, एंड ट्रीज प्लांट्स अस ऑक्सीजन गिव, इसका भी एग्जैक्टली करेक्ट क्या आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है ना, रीअरेंज करना है इनको। देन लास्ट, फ्लावर इट इज अ ब्यूटीफुल व्हाट, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसमें एक आपको नीचे में पॉइंट दिया हुआ है, जैसे आपने दिया पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, अब उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं अभी हम देखेंगे। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, भानु लॉक द डोर, देन सेकेंड इज द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और यहाँ पे दिया हुआ है एक थर्ड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखो क्या बोल रहा है, इन द अबव सेंटेंस भानु द शीप एंड द बर्ड्स आर डूइंग समथिंग, वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई सो दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट्स, और इसलिए उनको क्या कहा गया है, सब्जेक्ट्स कहा है, ठीक है। अगेन द रिमेनिंग पार्ट्स इन द अबव सेंटेंस टेल्स अस वॉट द सब्जेक्ट डज और वॉट द सब्जेक्ट्स इज, दीज आर द प्रेडिकेट्स, जो रिमेनिंग पार्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज, या फिर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में। तो देयरफॉर अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, इसलिए सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सब्जेक्ट किसे कहेंगे, जो टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कौन या किसके बारे में क्या कह रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट, हु और व्हाट, कौन और क्या। देन प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, प्रेडिकेट किसे कहेंगे, टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमें जो भी बताएगा, वो बाकी का जो सेंटेंस रहेगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, देन टुगेदर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस, और जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट साथ में रहेंगे तब हमें उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हमें पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रीड द मोर एग्जांपल्स, भानु लॉक द डोर, भानु इज अ सब्जेक्ट एंड लॉक द डोर इज अ प्रेडिकेट, भानु एक
काम क्या करता है घर, हमने उसको क्वेश्चन पूछे, लॉक द डोर, कौन डोर लॉक कर रहा है, तो भानु, मतलब इट इज अ सब्जेक्ट, या भानु क्या करता है, लॉक द डोर, ये काम करता है, इसलिए इट इज अ प्रेडिकेट. देन द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द शीप इज द सब्जेक्ट एंड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज अ प्रेडिकेट. देन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देन कंप्लीट द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स. आपको इन जो नीचे में जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, उसको सब्जेक्ट को सर्कल करना है और अंडरलाइन किसको करना है, प्रेडिकेट को करना है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वी शॉल डू आवर ड्यूटी, है ना. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी शॉल डू आवर ड्यूटी, वी इज अ सब्जेक्ट, ओके ना, एंड शॉल डू आवर ड्यूटी इज अ प्रेडिकेट. तो ऐसे ही आपको इन सेंटेंस में से कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है, ये आपको खोज के लिखना है. अभी मैं इसके आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आपको कोशिश करना है, ठीक है. ये ऐसे आपके टोटल 10th एग्जाम्पल है, यहाँ तक आपके टोटल कितने एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल है. यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है वो लिखना है. अब सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एड अ प्रेडिकेट टू ईच सब्जेक्ट गिवन बिलो टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. जैसे द टाइगर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइगर. द टाइगर है ना, टाइगर रन अवे फ्रॉम द जू, ये भी लिख सकते हो, टाइगर भाग गया जू से, ऐसा लिख सकते हो. द टाइगर रन अक्रॉस द रिवर, टाइगर रिवर के उस, मतलब आप लिख सकते इस प्रकार से, बहुत सारे लिख सकते. द काउज है, द चिल्ड्रेन है, द अर्थ है, द स्टार्स है, ये आप कोशिश कीजिए अपने मन से लिखने की. अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा, पर कोशिश करते रहो, गलत होगा तो भी चलेगा, ठीक है. देन एड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट. अब यहाँ ऑलरेडी प्रेडिकेट दिए, कंसिस्ट्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको प्रेडिकेट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है. अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो सोच के, कंसिस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स है बोल रहा हूँ, है ना. तो कोई ऐसा है कि जहाँ पे 25 स्टूडेंट्स है, तो आप उसे क्या कहोगे, यहाँ पे आपको लिखना है. हैज़ अ 5-स्टार रेटिंग, कौन सा है तो आपको लिखना है. ये सब आपको पढ़ना है और आपको करना है कोशिश, अगर नहीं आएगा तो मत लिखो, ठीक है. अब क्या बोल रहा है, इन द सेंटेंस यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड इज फॉलोड बाय द प्रेडिकेट. हमेशा सब्जेक्ट कहाँ आता है, पहले आता है, और उसके बाद जो भी सेंटेंस रहता है वो रहता है आपका प्रेडिकेट. बट समटाइम्स द प्रेडिकेट अपीयर्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड देन कम्स द सब्जेक्ट. पर कभी कभी प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है. तो ये कैसा होता है वो अपन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स है, अप एंड डाउन वेंट हीज बोट, देन डाउन बिलो इन द वैली फ्लोट द रिवर, हियर कम्स द बस, इन द डार्क डेप्थ ऑफ द केव लेज द ट्रेजर, देयर गोज अ शताब्दी एक्सप्रेस. अब यहाँ पे देखो, अप एंड डाउन वेंट हीज बोट, ये जो हीज बोट जो है इट इज अ सब्जेक्ट, एंड अप एंड डाउन वेंट दिस इज योर प्रेडिकेट. देन डाउन बिलो इन द वैली फ्लोड द रिवर इज अ सब्जेक्ट एंड फर्स्ट सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट. देन हियर कम्स द बस इज अ सब्जेक्ट एंड हियर कम्स इज अ प्रेडिकेट. इन द डार्क डेप्थ ऑफ द केव लेज द ट्रेजर इज अ सब्जेक्ट. यहाँ पे ट्रेजर क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी का ये जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट, प्रेडिकेट है.
देयर गोज द शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी द शताब्दी एक्सप्रेस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और देयर गोज क्या है प्रेडिकेट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सब्जेक्ट को सर्कल करना है यहाँ पर भी और अंडरलाइन प्रेडिकेट को करना है. हियर कम्स द क्वीन, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको सर्कल करना है, बाकी को अंडरलाइन करना है. स्लोली एंड स्टेडिली वेंट द टर्टल, इसमें भी आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको ये करना है. ये इट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. कोशिश कीजिए इसके आंसर लिखने की, अगर नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कोशिश कीजिए. और इसके आंसर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व कीजिए, पेंसिल से लिखिए या फिर किसी रफ कॉपी में लिखिए. When I will provide you the correct answer, then you have to check it with the correct answers, है ना, and correct your mistakes. मैं जब इसके आंसर भेजूँगा तब आपको मेरे आंसर से उनको कंपेयर करना है और करेक्ट है या नहीं है आपको चेक करना है. ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है. थैंक यू.